हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैग प्रो शूटर गेम के आईना वन की सेकंड वीडियो के बारे में। आईना वन की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से उस वीडियो को देख के आएँ और फिर इस वीडियो को देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम्स के बारे में जानने के लिए। और गाइस, अगर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल इजी न्यूट्रिशन को भी सब्सक्राइब करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। आज वाली ये वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम दो दो बैटल एक साथ करने वाले हैं। मैं आपको नॉर्मल अरीना वन भी दिखाऊंगा और साथ में जो 2v2 का बैटल था वो भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं 2v2 टीम बैटल का इनका इवेंट चल रहा है, जिसमें ये कह रहा है ओपन नाउ। तो आपको अभी जो सामने करेक्टर्स दिख रहे हैं, ये इन करेक्टर्स के कार्ड आपको मिल जाएंगे। और इसमें अभी 3 दिन और 16 घंटे बचे हैं, मतलब जिस टाइम मैं ये गेम खेल रहा हूँ उस टाइम से। तो देखिए, 2v2 की टीम बैटल में अभी ये स्पिन दिखा रहा है मुझे 7 टिकट का। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं मेरे पास शो कर रहा है वो करेक्टर के ऊपर कि मेरे पास 7 टिकट हैं और मुझे स्पिन करने के लिए 7 ही टिकट चाहिए। तो क्रेडिट्स में गए हम लोग, तो इसमें मुझे डेली गिफ्ट 15 टिकट का मिल रहा है, तो इसको क्रेडिट करूँगा सबसे पहले तो मैं। और जैसे जैसे आप नीचे अमाउंट लिखी आ रही कि अगर आपको और 100 चाहिए, 210 चाहिए, 500 चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो मेरे स्टॉक में राइट साइड पर देखिए लिखा रहा है योर स्टॉक में 22 टिकट आ चुकी हैं इस समय, और स्पिन करने के लिए 7 चाहिए। और रूल्स में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है आराम से। ग्रैंड प्राइस देखिए आप, इसमें आपको जोकर कार्ड्स मिल रहे हैं 750। अब ये वही वीडियो वगैरह का कह रहा है, इसको तो हम हटाते हैं। तो मेरे पास 22 टिकट्स हैं और 7 पे स्पिन कर सकते हैं, तो इसे स्पिन करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या मिलता है। तो मुझे मिला है लावा करेक्टर का बिग पैको जो है, उसका लावा वाली जो स्किन है वो मिली है। दोबारा स्पिन करते हैं, अभी मेरे पास 8 टिकट और बची हुई हैं। इसमें हमें मिला है 16 गोल्ड कॉइन्स। अब स्पिन करने के लिए 9 टिकट चाहिए, अब 9 तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास 8 बची हुई हैं, तो अभी तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो ये दोबारा हम लोग आ चुके हैं गेम की होम स्क्रीन पे। इवेंट्स की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते कौन कौन से इवेंट्स आए हुए हैं। तो ये सब इवेंट्स चल रहे हैं, इसमें 2v2 टीम बैटल जो हमने भी स्पिन किया था टिकट्स वाला वो था। और शॉप के अंदर यह दिखा रहा है आपको कि आप करेक्टर को अपग्रेड कर सकते हो 50 रुपये देकर। डिफरेंट सीजन पास चल रहे हैं और वीडियो देख के कर सकते हो आप। डेली कार्ड्स में मुझे 30 कॉइन्स फ्री मिल रहे हैं, इसे कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। और बाकी नीचे वो पेमेंट वाला हिस्सा है, नीचे गिफ्ट कार्ड आप पा सकते हैं जो कि आपको मिलेगा। और वॉल ऑफ फॉर्चून जो था, इसमें देखते हैं मैं स्पिन करके आज क्या मिलता है, क्योंकि डेली आप आएंगे हर 24 घंटे में रीसेट होता है। तो आज हमें मिल रहा है एपिक का होलो टैग, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी टीम के बारे में, जब आप अपने करेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उस जगह पे आप लोग टैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, थम्स अप का, स्माइली वगैरह, इन सब चीज़ों का। और देखिए हम चलते हैं बैटल टैग की तरफ। तो मैंने लास्ट वीडियो के हिसाब से इसमें काफ़ी सारे नए नए करेक्टर्स भी मैंने कार्ड ले लिए जो मुझे मिले थे, आप देख सकते हैं। और ये अपग्रेड कितने कितने हो सकते हैं वो भी आपको एरो पर शो हो रहा है करेक्टर के ऊपर, 1, 4, 8 जो भी था। देखिए, इसको अपग्रेड करने के लिए मुझे 4000 कॉइन्स चाहिए, जो कि लॉन्ग शॉट वाला करेक्टर है। जैकल, पैट्रिको और इन सबको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अभी। बिग पैको के लिए मुझे सिर्फ 5 कॉइन्स चाहिए और मेरे पास अभी 1200 हैं, तो शायद इसको अपग्रेड करना इस समय सही रहेगा, तो इसको अपग्रेड करते हैं फटाफट। तो इसका लेवल 2 हो चुका है, इसका हिट पॉइंट और इसका मैक्सिमम DPS बढ़ चुका है। इसके अलावा जेट वाले करेक्टर को भी अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग, 50 कॉइन्स चाहिए अपग्रेड करने के लिए। इसका लेवल 4 हो गया है और मुझे रिवॉर्ड मिल गया जिससे लेवल अपग्रेड होगा। अभी भी इसे फर्दर अपग्रेड करने के लिए 150 कॉइन्स चाहिए थे। और ये जो करेक्टर है हमारा जैकल पैट्रिक, इसका हिट पॉइंट आपको दिख रहा है 161 और डैमेज इस समय 4x141 है। इसको अपग्रेड करने के लिए 150 कॉइन्स चाहिए, तो ये भी मैं अभी कर सकता हूँ, पर करना चाहिए या नहीं ये ज़रा मैं एनालाइज कर लेता हूँ अभी फटाफट। तो देखिए, मैंने इसको अपग्रेड कर लिया, हिट पॉइंट और इसका मैक्सिमम DPS बढ़ चुका है।
अब इस समय सिर्फ दो करेक्टर है जिनको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, तो इसको कर लेते हैं फटाफट से अपग्रेड फुल। लेवल 5 तक ये जा चुकी है। अब मेरे पास 856 कॉइन्स बचे हैं और इसको मैं अभी भी अपग्रेड कर सकता हूँ एक बार और। तो ये लेवल 6 तक पहुँच गई है, मुझे 25 ब्लू कॉइन्स मिले हैं जो कि लेवल अपग्रेड में हेल्प करेंगे। देखिए हिट पॉइंट इसका 195 हो चुका है अब, जो कि बहुत बढ़िया है। अब मैं इसको आगे फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 1000 या फिर 4000 कॉइन्स नहीं बचे हैं। अब ये देखिए इवेंट का दिखा रहा है, हेलोवीन इवेंट चल रहा है, ओपन नाउ का कह रहा है। तो ये आ रहा है कलेक्ट योर रिवॉर्ड्स। तो इससे मुझे कुछ सर्टेन कार्ड मिले हैं, जोकर कार्ड 20 मिले हैं सबसे पहले, उसके बाद मुझे मिले हैं दोबारा जोकर कार्ड, अब मेरे 60 हो चुके हैं। दोबारा मुझे 60 जोकर कार्ड मिले हैं, अब 80 मिले हैं इस बार, टोटल 200 हो चुके हैं, और 100 और मिल गए तो ये हो गए टोटल 300 जोकर कार्ड्स मेरे पास इस समय हो चुके हैं। तो अब मुझे अगर 3 स्पिन और करने हैं तो मुझे 110 रुपये इनको और देने पड़ेंगे, तब मुझे ये करेक्टर्स मिल सकते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। रूल्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कि क्या क्या इन्होंने इस इवेंट के रूल्स दिए हुए हैं और कैसे आप 50 जोकर कॉइन्स जो हैं, जो जोकर कार्ड्स हैं, इनको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोबारा लिखा रहा है कलेक्ट योर रिवॉर्ड्स, पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 50 और जोकर कार्ड जो हैं वो ऐड हो गए हैं, टोटल 350 हो चुके हैं हमारे पास, पहुँच चुके हैं हम लोग। दोबारा होम स्क्रीन पर चलते हैं, फटाफट से मिशंस की तरफ देखते हैं। तो इसमें डेली मिशन के अंदर शो हो रहा है कि ओपन नाउ। तो चेस्ट मिली है, इसके अंदर 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहले हमें मिले हैं 17 गोल्ड कॉइन्स, सेकेंड कार्ड के अंदर 2 डायमंड्स, टोटल अब मेरे पास 49 डायमंड्स हो चुके हैं, और थर्ड कार्ड में ईगल आई का मुझे अपग्रेड के कार्ड्स मिले हैं, मतलब मैं उसको भी एक लेवल तक अपग्रेड कर सकता हूँ। टोटल मुझे ये तीनों चीज़ें इस एक चेस्ट के अंदर मिली हैं, तो और तो इसमें कुछ और है नहीं। और हम चलते हैं आगे फटाफट से, अब हम चलते हैं इस पे रिवॉर्ड्स के पास। तो इसमें मेरे पास अभी 217 ट्रॉफीज़ हैं, तो इन करेक्टर्स को मैं अभी खोल सकता हूँ, और इन करेक्टर्स की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आपको दिखाने के लिए कि आपको कौन सा करेक्टर चूज़ करना चाहिए। अब हम चलते हैं गेम मोड्स की तरफ, तो दिखाऊँ मैं आपको गेम मोड्स में। तो 2v2 का चल रहा है, स्ट्रीट फ्रैग भी है, 2v2 की वीडियो में दिखाऊँगा आपको इसी वीडियो के अंदर। अब जरा चेस्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमें। तो सबसे पहले 27 गोल्ड कॉइन्स, और इसके बाद हमें मिल रहा है डॉक्टर फ्रॉस्ट का अपग्रेडेशन का एक कार्ड मिला है। तीसरा जो हमको मिला है वो है ईगल आई का अपग्रेडेशन का, और फोर्थ जो है उसमें हमें एक और करेक्टर का अपग्रेडेशन कार्ड मिला है जिसको मैं लेवल 1 तक और अपग्रेड कर सकता हूँ। टोटल ये 4 चीज़ें मिली हैं मुझे। और देखिए यहाँ मैं आपसे कह रहा था कि आप जो वो हैशटैग यूज़ करेंगे वो यहाँ यूज़ होगा। स्टैट्स में भी Junior 2 शो हो रहा है, और मैंने प्रीवियस किंग की टीम्स को रहा है वो शो हो रहा है। तो मुझे एक घंटा इस गेम को खेलते हो गया है, इसलिए Junior 2 अभी इसके अंदर शो हो रहा है लिखा हुआ। मेडल्स के अंदर देख सकते हैं ये मुझे मेडल्स मिले हुए, इन्वेंटरी अभी खाली है। तो चलिए बैटल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको इनिशियल टिप्स दिखा रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आपको गेम खेलनी चाहिए, दोनों टीम के आपको पॉइंट्स शो हो रहे हैं, और ये आईना 1 की लोकेशन है। ये रहा मेरा कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं सामने। लोकेशन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, लोकेशन इस गेम की बहुत ही अमेजिंग है, ग्राफिक्स बहुत बढ़िया हैं, पूरा आपको एक ऑडिटोरियम स्टेडियम जैसी फील आती है गेम खेलते हुए। तो जो मेरा कैरेक्टर है उसको लेवल 2 पे, और उसकी लाइफ जो है 218 पॉइंट्स है। तो देखिए ये बीच में से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर नहीं दिखाया था क्योंकि ये ब्रिज के नीचे होता हुआ जा रहा है, और राइट साइड पर ये जो देख रहे हैं आप ये, और लेफ्ट साइड पर ये, यहाँ पे काइंड ऑफ इन दोनों सेक्शन का ये कंबाइनिंग ब्रिज है। रेड साइड जो है वो अपोजिट टीम की है, ब्लू साइड हमारी टीम की है। तो ये रास्ता यहाँ से ऐसे खुलता है। देखिए गेम स्टार्ट होते ही फायरिंग शुरू हो चुकी है। जो आप सामने शील्ड देख रहे हैं ये उनकी टीम की प्लेयर की एक पावर है। देखिए मेरे टीम के करेक्टर्स ने उनकी वहाँ की शील्ड फोड़ दी है, तो हमारी टीम के बचे हैं अभी 1135 पॉइंट्स, और उनकी टीम के बचे हैं 578 पॉइंट्स इस समय। तो देखिए उन्होंने मुझे मार दिया। अब सेकेंड कैटर जो मैं चूज़ करूँगा वो मैं करूँगा कैंप कैटेगरी का, क्योंकि इसके पास फायर कैनन है। फटाफट से मैं इनके प्लेयर को मार देता हूँ, वरना ये अगर हमारी टीम की शील्ड को फोड़ देगा तो हमारे पॉइंट्स चले जाएंगे, और लास्ट में जिस टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वही प्लेयर बच पाएगा। देखिए -38 हुआ उनका, तो उनकी टीम की अभी सिर्फ 272 पॉइंट्स हमें और कम करने हैं। शील्ड उनकी दोनों फूट चुकी हैं इस समय। अब देखिए मैं अकेला जा रहा हूँ, उनकी टीम में कम से कम 3 से 4 प्लेयर वहाँ पे मौजूद हैं, उन पे मैं फायर करता हूँ लगातार।
बहुत ही इंटेंस बैटल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वो एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हैं, ये देखिए आप। तो इस गेम में यही मज़ा है कि जब आप अकेले भी खेलें लेकिन जब बाकी अपोजिशन की टीम आप पे हमला करती है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है वो इस गेम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वो तीन प्लेयर थे ऑब्वियसली, उन्होंने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं। अब मैं लेता हूँ ये वाला करेक्टर क्योंकि इसकी जो रेंज है शूटिंग की वो बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी दूर से शूट कर पाएगा। देखिए -38 हुआ, अब उनको सिर्फ 95 पॉइंट्स कम करने हैं, हमारी टीम को और कम हो रहे हैं देखिए। तो मेरी टीम के ऑलरेडी बाकी मेंबर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग राउंड जीत चुके हैं और जो करेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कम करें वो सेंटर में आएगा। 3 स्टार्स मिल चुके हैं और हमारे ट्रॉफीज़ में 42 ट्रॉफीज़ ऐड हो चुकी हैं और 9 गोल्ड कॉइंस मुझे ऐड हो गए हैं इसके अंदर। अब ये टिकट का कह रहा है कि 360 पॉइंट्स मिले आपको टिकट के लिए, 70 रुपये देके आप ये चीज़ें ले सकते हैं। तो इसको तो मैं बंद कर दूंगा, अभी डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। और देखिए नीचे एक चेस्ट आ चुकी है, इस समय गोल्ड कॉइंस जो हमने उस राउंड में जीते थे वो आ चुके हैं। तो इसमें 3 घंटे इसको अनलॉक कर लेते हैं फटाफट से, 3 घंटे बाद इस चेस्ट को ओपन करके देखेंगे इसमें हमें क्या मिलता है। करेक्टर तो मैं अभी भी कोई अपग्रेड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने कॉइंस इस समय नहीं है। तो अब जरा चलते हैं गेम मोड में और देखते हैं 2v2, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि इसमें है क्या। तो 2v2 का राउंड खेलते हैं। अब आपको यहाँ 5 में से कोई भी अपने 3 प्लेयर चूज़ करने पड़ेंगे कि आप कैसे कैसे करेंगे। मैं इस समय अटैक, डिफेंस और एक कैंप का लेके खेलूँगा। तो ये मैंने 3 करेक्टर लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं आपको कैसे करना है, लेकिन बैलेंस अगर टीम रहेगी तो ये आपकी टीम के लिए ज़्यादा बढ़िया है। मतलब सारे इस अटैक के प्लेयर ना हो के आप डिवाइड करें इक्वली कि आपको एक अटैक का, एक डिफेंस का या फिर एक कैंप जो कि मेन करेक्टर होगा दोनों साइड वाला जिसकी रेंज भी अच्छी हो। तो ये राउंड स्टार्ट हो चुका है, टिप्स वगैरह शो कर रहा है इस समय सामने, देख सकते हैं। हर राउंड में जब भी आप गेम खेलेंगे ये आपको टिप्स शो करेंगे ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए कि आपको खेलना कैसे है। तो टोटल ये 4 टीम है, 2 ब्लू टीम और 2 रेड टीम। और ये रहा मेरा प्लेयर, मुझे लड़की वाला करेक्टर मिला हुआ है इस वाले राउंड में। तो लास्ट में इन 4 टीम को खेलते हुए लास्ट में जो 2 टीम बचेंगी वो विनर होंगी इस राउंड की। 2v2 का मतलब ये है। तो टोटल 4 इसमें टीम जो है लड़ रही है दूसरे से। देखिए मेरा करेक्टर फायर कर रहा है। तो आप इसमें बेस्ट प्लेयर्स चुने अपनी टीम के, जो बेस्ट कार्ड्स हैं आपके तो आपको फ़ायदा होगा। अभी आपने देखा था मेरा करेक्टर उड़ा था, तो ये इस वाले करेक्टर की जो स्पेशल पावर थी वो थी 3 सेकंड बाद ही दोबारा उड़ पाएगी। तो जब भी आपको लगे कि आपको नीड है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं डायरेक्टली, देखिए दोनों तरफ से हमला हो रहा है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं ये वाला करेक्टर क्योंकि इसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दूर से मार पाएगा। और ये जो इसका डैमेज है वो डैमेज बहुत ज़्यादा जो है उनकी टीम का ऑक्यूपाई कर पाएगा ये। अब करेक्टर की रेंज ज़्यादा तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं, ठीक है इसको मारता हूँ फटाफट। तो उनकी टीम के -38 हुए, लेकिन इस समय उनकी टीम हमसे जीत रही है इस समय, तो हमें उनकी शील्ड फोड़नी पड़ेगी मुझे ताकि जल्दी उनके जो पॉइंट्स हैं वो कम हो सकें। देखिए उनके टीम के प्लेयर्स मुझे रोकने के लिए आ गए एक साथ, देखिए तीनों हमला कर रहे हैं मुझ पर, देखिए मुझे ख़त्म कर दिया उन्होंने। पर यही आपकी स्ट्रेटजी है, जब तक आप सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि आप शील्ड को फोड़ें क्योंकि शील्ड से सबसे ज़्यादा इनके जो पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं। करेक्टर से सिर्फ 30 के आसपास पॉइंट कम होंगे जो कि बहुत ही कम है। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो होना चाहिए कि आप शील्ड को फोड़ें। देखिए दोबारा मुझ पर हमला कर रहे हैं क्योंकि जैसे आप इनकी शील्ड फोड़ते हैं एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी जो शील्ड है योर शील्ड इज़ अंडर अटैक। तो तुरंत उनकी टीम के बाकी प्लेयर्स आ जाते हैं उनकी शील्ड को बचाने के लिए। तो इस समय हमारी टीम जीत रही है। इस गेम के ग्राफिक्स यार बहुत अमेजिंग है और साउंडट्रैक देखिए आप, साउंडट्रैक भी गेम का बहुत ही अमेजिंग है, ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है इस गेम के। डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को इस गेम के बारे में बताएं, इस गेम के साथ एंजॉय करें बहुत ज़्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है इतने सारे करेक्टर्स हैं, सबकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो आप बोर तो हो ही नहीं सकते। आपका प्लेयर अलग पावर यूज़ कर रहा है, अपोजिशन की टीम का हर प्लेयर जो है अपनी अलग पावर यूज़ कर रहा है। तो इस शील्ड के अंदर 95 पॉइंट्स हैं, इसको कम करते हैं जल्दी 33, ये 13 और ये ख़त्म हो गया।
ये जो बर्निंग इफेक्ट आता है जब भी आप शील्ड को ख़त्म करेंगे, ये जो एक फायर वाला एक इफेक्ट आता है ये बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और बकायदा ये लोग वीडियो को स्लो मोशन कर देते हैं ताकि आप उस इफेक्ट को और महसूस कर सकें। तो मैंने दोबारा ये इसकी देखिए मैंने पावर यूज़ करी थी, तो 30 सेकंड बचे हैं बस, तो मैं दोबारा कैंपल अप ले लूँगा एक और, क्योंकि दूर रेंज को भी टाइम कम है और रेंज ज़्यादा तो होगी तो मैं दूर से हमला कर पाऊँगा। तो यही चीज़ें आपको सोचनी है कि जब टाइम कम है तो आपको करेक्टर कौन सा चाहिए। कुछ कुछ करेक्टर इसमें ऐसे भी हैं जिनकी स्पेशल पावर जो है उसमें उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। ये देखिए इनविजिबल हो गया, और देखिए 10 की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, 6, 5। तो फाइनली हमारी टीम जीत चुकी है। जिस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा उनकी टीम के मेंबर्स मारे हैं वो सेंटर में शो हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यार इस गेम को खेलने में बहुत मज़ा है। फाइनली ये दो टीम है चार में से जो जीती हैं। अब मुझे 20 टिकट्स में ऐड हो चुकी हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपको गोल्ड कॉइन्स और डायमंड चाहिए तो आप वीडियो देखें, तो इसको बंद कर देते हैं। एक और चेस्ट देखिए, अरीना चेस्ट नीचे ऐड ऑन हो चुकी है, और इस राउंड को जीते हुए गोल्ड कॉइन्स डायमंड और मिशन कॉइन जो थे वो अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं। और देखिए नया अरीना अरीना 2 न्यूयॉर्क जो है वो अनलॉक हो चुका है, जिसके लिए आपको 300 प्लस ट्रॉफीज चाहिए, मेरी हो चुकी हैं इसलिए अरीना 2 अनलॉक हो चुका है। और ये करेक्टर्स आपको दिख रहे हैं अरीना 2 के अंदर, तो इसको करते हैं ओके हम लोग। और इस चेस्ट को ओपन करने के लिए अभी तो ये शो नहीं कर रहा। और करेक्टर्स में देखिए आप, अब मेरे पास 1000 कॉइन्स हो चुके हैं, तो मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ अपने करेक्टर को, इस वाले करेक्टर को, क्योंकि इसके लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए। पर ये मैं अपग्रेड इस बार नहीं करूँगा, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, या देख सकता हूँ मैं कि किसी और करेक्टर को अपग्रेड करना होगा तो वो करूँगा मैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही, आप ज़रूर इस गेम को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ZinoZone को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाएं प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।